आज पूरे विश्व सहित भारत देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, जिसके चलते लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों में कोरोना का डर साफ देखा जा सकता है। कोरोना संक्रमण शहर से ग्रामों तक फैल चुका है। इसी महामारी के चलते कई राज्यों के लोगों का विश्वास सिस्टम से उठ गया, इसलिए ये लोग अब किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए जहां स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन तक हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों को इससे राहत नहीं मिल पा रही। कहते हैं जब लॉजिक पर भरोसा टूटना या कम होने लगता है तो ये विश्वास मजबूत होने की जगह कमजोर होने लगता है। तब किसी मैजिक या किसी चमत्कार का इंतजार होता है और जनता इसके सहारे कोई ना कोई नया विकल्प जरूर ढूंढ लेती है। वो गोबर गौमूत्र से नहाकर कोरोना भगाने के उपचार करने लगती है, पूजा पाठ शुरू करते हैं, हवन करके कोरोना को मारने पर विश्वास करने लगते हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को हैरान परेशान कर दिया है। देश के तमाम राज्यों से ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर सिस्टम का फेलियर तो दिखाई देता ही है, साथ ही ये भी समझ नहीं आता कि लोगों का दुख कम करने का कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे ये गंभीर बीमारी दूर हो जाए। कहते हैं जब लॉजिक पर भरोसा टूटना या कम होने लगता है तो ये विश्वास मजबूत होने की जगह कमजोर होने लगता है। तब किसी मैजिक का इंतजार होता है और जनता इसके सहारे कोई ना कोई नया विकल्प अपना रही होती है। वो गोबर गौमूत्र से नहाकर कोरोना भगाने के उपचार करने लगती है, पूजा पाठ शुरू करती है, हवन करके कोरोना को मारने पर विश्वास करने लगती है। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो पिछले साल सामने आई थी और अब भी सामने आ रही हैं, या ये कहें कि अब और ज्यादा सामने आ रही है। कुछ दिनों में भारत के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। सहारनपुर में बजरंग दल ने किया हवन। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सहारनपुर में बजरंग दल ने कोरोना रोकने के लिए बाल्टी में हवन किया और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गलियों में हवन की बाल्टी लेकर धुआं करते हुए गए। बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी का कहना है कि हवन सामग्री के धुएं से ही गलियों में कोरोना के संक्रमण को खत्म कर दिया जाएगा। झज्जर में निकाली गूगल लोबान की धुनी की यात्रा। हरियाणा के झज्जर में भी कोरोना को भगाने के लिए ऐसा अलग तरीका अपनाया गया। गूगल लोबान की धुनी लेकर शहर भर में संदेश यात्रा निकाली गई। कोरोना को भगाने के लिए घर घर यज्ञ कराने का संदेश दिया गया। शहर ही नहीं झज्जर के गांव में भी ट्रोलियों में हवन कुंड रखकर यात्रा निकाली गई। एमपी की मंत्री ने हवन को बताया बेहद जरूरी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर उमरिया से जबलपुर रेफर किए गए बच्चे को इलाज के लिए बेड नहीं दिला पाती हैं और माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दूसरे हाथ से ग्लूकोज की बोतल लिए भटकने को मजबूर होती है, लेकिन उषा ठाकुर इलाज के नाम पर यज्ञ हवन को जरूरी बताती हैं। कानपुर में कोविड मरीजों के सामने मंत्र चालीसा का पाठ। आस्था का एक और वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक वार्ड के भीतर कोरोना मरीज के सामने दो महिलाएं भगवान का नाम लेकर मंत्र और चालीसा पढ़कर दावा करने लगी कि वो अपने मरीज को सही कर लेंगी। बाद में पता चला कि ये वीडियो 22 अप्रैल का है। कहानी कानपुर के सरकारी अस्पताल की है। डॉक्टरों को हटाकर दो महिलाएं मंत्र के भरोसे अपने परिजन को सही करने का दावा करने लगी। संभव है कि इसके पीछे वजह उस स्वास्थ्य व्यवस्था पर गिरता भरोसा हो, जहां मरीज डॉक्टर तक के लिए तरस जाते हैं, लेकिन ये पूजा भी मरीज के काम नहीं आई। थोड़ी ही देर में मरीज ने दम तोड़ दिया। महाराजगंज में कोरोना को भगाने के लिए विशेष पूजा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के ही महाराजगंज से कैसी तस्वीर सामने आई जिसमें महिलाएं कोरोना को भगाने के लिए पूजा पाठ करती हुई नजर आई। 9 दिन तक चलने वाली इस पूजा का मकसद कोरोना को भगाना था। हालांकि सच्चाई ये कि आस्था से मानसिक शक्ति तो मिल सकती है, लेकिन इलाज डॉक्टर और दवाओं से ही होना जरूरी है। लेकिन ऐसी तमाम तस्वीरें हैं आस्था की जो इस कोरोना काल में सामने आ रही है। हर कोई यही गुजारिश कर रहा है भगवान से भी और डॉक्टर से भी कि जल्द से जल्द उन्हें इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा लोगों को सिस्टम या सरकार पर भरोसा नहीं है। लोगों ने एक बार फिर से भगवान पर भरोसा जताया है। लोग हवन पूजन
गौमूत्र गोबर सब कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये सब करने से कोरोना नहीं होगा और ये बीमारी जल्द ही खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों ने बड़े पैमाने पर गायत्री मंत्र का जाप किया है और अभी भी कर रहे हैं। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, हर ओर मातम है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और हजारों की संख्या में मौतें दर्ज हो रही हैं। इस महामारी का सामना करने के लिए देश के डॉक्टर दिन रात एक किए हुए हैं और वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। इन सबके बीच कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश के अलग अलग हिस्सों में अंधविश्वास भी दिखाई दे रहा है। लोग कहीं हवन कर रहे हैं तो कहीं धूनी जमा रहे हैं ताकि कोरोना को मात दी जा सके। कोरोना महामारी ने इस वक्त गांव की ओर काफी रुख कर दिया है। यहां स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो पाता उससे पहले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के बल पर कोरोना को मात देने में जुट गए हैं। अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डालिए कि भारत में कोरोना के आंकड़े किस प्रकार हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच मरीजों में रिकवरी रेट का बढ़ना बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में ही देश में 3,62,000 केस दर्ज हुए हैं, वहीं 4,120 लोगों की मौत हुई है। ये लगातार चौथा दिन है जब देश में कोरोना के 4 लाख से कम केस आए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा एक बार फिर 4,000 के पार हो गया है। भारत में एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त 37 लाख से ज्यादा है। कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र को हुआ। यहाँ अब नए केस लगातार घट रहे हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच कोरोना लहर शुरू होने के बाद से ये पहला मौका है जब उपचाराधीन मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। अब राज्य में 5,46,000 एक्टिव केस हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक अब एक्टिव केसेस में सबसे ऊपर है। यहाँ फिलहाल 5,92,000 मरीज कोरोना का इलाज करा रहे हैं। राज्य में रिकवरी रेट भी काफी कम है। हालांकि मौत की बात करें तो महाराष्ट्र में ये आंकड़ा लगातार ऊपर गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 816 लोगों की जान चली गई, वहीं इस दौरान 516 नई मौतें हुई हैं। देश में कोरोना केस 52,26,000 से लेकर मृतकों के 78,000 तक के आंकड़े में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। ये तो सिर्फ इन शहरों की बात थी, लेकिन कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जहां लोगों की मान्यता या देसी नुस्खों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, फिर चाहे हवन हो या फिर गोबर से मालिश करना हो। ऐसी महामारी जिससे इस वक्त पूरी दुनिया ही जूझ रही है और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई वैक्सीन उस पर कारगर साबित होती दिख रही है। इस बीच हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आ रही ये तस्वीरें लोगों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठते विश्वास को दर्शाती है। ऐसे में वो खुद ही अपने तौर तरीकों से बचाव में जुटने लगे हैं, क्योंकि सरकार पर, सिस्टम पर या प्रशासन पर, शासन पर उन्हें भरोसा नहीं रहा है। अपनों को रोता बिलखता मरता देख रहे हैं। इसके बाद इस तरह के अंधविश्वास की तस्वीरें लगातार भारत से सामने आ रही है, लेकिन इंतजार है एक चमत्कार का और लोगों को पूरा विश्वास है कि चमत्कार जरूर होगा और कोरोना जल्द से जल्द भारत से खत्म होगा। भारत एट टाइम में इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।